जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदयमित। दोस्तों आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम अमेजिंग जनरल नॉलेज के अमेजिंग फैक्ट लेके आए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बच्चे इसे पूछा भी करते हैं और हम उनका आंसर दे देते हैं, और नहीं पता होता है तो हम देख करके बता देते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? विश्व का जो सबसे छोटा देश है वे है वेटिकन सिटी। दोस्तों वेटिकन सिटी जो है यह इटली की राजधानी रोम में स्थित है, और जो वेटिकन सिटी है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों वेटिकन सिटी के बारे में और जानते हैं। इस कंट्री का क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, मतलब लगभग 110 एकड़ के क्षेत्रफल में बसा हुआ यह देश है, और यहाँ की जनसंख्या लगभग 1000 है। आगे दोस्तों देखते हैं कि आप एक बात तो हमेशा सुनते ही होंगे कि क्या कभी सूर्य पश्चिम से निकल सकता है? तो दोस्तों हाँ, हमारे सौरमंडल में दो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं जिन पर कि सूर्योदय जो होता है पश्चिम दिशा में होता है, वो है आपके शुक्र और अरुण। आगे दोस्तों देखते हैं दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रीट। दोस्तों स्ट्रीट मतलब होता है गलियारा। तो दोस्तों ये है टोरंटो स्ट्रीट, जो कि कनाडा में स्थित। इस स्ट्रीट की लंबाई 1669 किलोमीटर है, मतलब कि 1869 किलोमीटर। और कनाडा की राजधानी दोस्तों क्या होती है आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। आगे दोस्तों देखते हैं, सबने कभी ने कभी शहद तो चखा ही होगा। क्या आप सब जानते हैं कि शहद कितना मीठा होता है? और ये सब दोस्तों पता ही होता है कि जो शहद होता है वो मीठा होता है, जिसको इंग्लिश में हनी बोलते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक शहद ऐसा भी है, एक जगह का शहद ऐसा है जो कि खट्टा होता है? तो दोस्तों ये है ब्राजील जंगल का शहद। दोस्तों ब्राजील जो जंगल है अमेजन जंगल, वहाँ पे जो मधुमक्खियों का शहद होता है वो खट्टा होता है। और दोस्तों जो ब्राजील है यह साउथ अमेरिका में स्थित एक देश है, और इसकी राजधानी जो है क्या है, ब्राजीलिया है। और दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट जो है वो है अमेजन रेन फॉरेस्ट, और यहाँ पे ही सबसे विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी प्रवाहित होती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं, फ्रांस दुनिया का ऐसा देश है जहाँ एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। सच में दोस्तों फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पे एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। और दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इसे सुंदरियों का शहर और फैशन नगरी, और जो है पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। दोस्तों विश्व की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है कैस्पियन सागर। ये झील एशिया महाद्वीप में मौजूद है। इसका क्षेत्रफल 1,43,000 वर्ग मील है, और इसकी औसत जो गहराई है 184 मीटर है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का खारे पानी का झील कौन सा है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। इंडिया में मीठे पानी की झील सबसे बड़ी है उलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर एंड जम्मू। जम्मू जो होता है यह विंटर में होता है, श्रीनगर जो है समर में होता है। किस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो दोस्तों जो है लोकटक झील, जहाँ पे कि एक तैरता हुआ पार्क स्थित है, और इस झील में केबुल लामजाओ नामक एक राष्ट्रीय पार्क है जो कि तैरता हुआ है। दोस्तों लोकटक जो है मीठे पानी की झील कही जाती है। और मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है, और जहां पे अभी फिर से जो सीएम बने हैं वो बने हैं एन बीरेन सिंह। दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय। दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा लाइब्रेरी है वो है कांग्रेस पुस्तकालय, और ये पुस्तकालय यूएसए, मतलब कि दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन शहर में है। इसकी स्थापना 1800 में हुई थी। तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। क्या आपको पता है कि हम जो किसी भी चीज का बेसिक पढ़ते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों हम जैसे कि बेसिक कहते हैं, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक का फुल नेम क्या होता है? तो बेसिक का फुल नेम होता है दोस्तों बिगिनर ऑल पर्पज सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये होता है बेसिक का पूरा नाम, जिसे हम शॉर्ट में बेसिक पढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल सिटी मोंटेसरी स्कूल है, जो कि लखनऊ, मतलब कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। तो दोस्तों लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है।
भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर है यह है सिद्धार्थ, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों फिनलैंड एक ऐसा देश है जिसको कि हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर इतनी झीलें हैं कि लगभग 26 व्यक्ति पर एक झील मिल सकती है। यहाँ की सबसे बड़ी झील साइमा झील है। कौन सी है? साइमा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। लेकिन दोस्तों स्थलीय सीमा से पूछा जाएगा तो वो आपकी हो जाती है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है? तो दोस्तों विश्व के जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना था उसका नाम है ENIAC, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। साइंटिस्ट का मानना है कि डायनासोर के समय में चांद पर काफी भूकंप आते हैं, क्या आप जानते हैं? तो दोस्तों साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जब डायनासोर रहते थे तो उस समय चांद पर काफी ज्यादा भूकंप आते थे। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा समाचार किस देश में पढ़ा जाता है? तो दोस्तों आपको एक कमेंट बॉक्स बताना है कि विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ जिसका जो कपड़े होते हैं, जिसपे जो न्यूज़पेपर होता है कपड़े पे छपाई की जाती है, वो आपको देश का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको हिंट देते थे कि वह जो देश है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो दोस्तों वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा समाचार पढ़ा जाता है वह है हांगकॉन्ग में पढ़ा जाता है। और दोस्तों हांगकॉन्ग का है तो हांगकॉन्ग जो है चाइना में है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई और कब और कहां हुई थी? तो दोस्तों जो ओलंपिक खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी यह यूनान के एथेंस शहर में 1896 ईस्वी में हुआ था। विश्व के किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं? तो दोस्तों ऐसा एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों इसको ओशियानिया नाम से जानते हैं। ओशियाना मतलब जो है महाद्वीप का नाम है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी देश है ऑस्ट्रेलिया ही, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलिया भी बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों है कैनबरा। क्या है? कैनबरा है। सौरमंडल के संबंध में सबसे पहले किसने पता लगाया था? तो दोस्तों सौरमंडल के संबंध में जो सबसे पहले पता लगाया था वो तो पता लगाने वाले थे कॉपरनिकस, जो कि 1543 मतलब कि 1543 ईस्वी में पता लगाए थे। दोस्तों सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नोबल प्राइज कब से दिया जा रहा है? तो दोस्तों जो नोबल प्राइज होता है, नोबल पुरस्कार होता है, कब से दिया जाता है? तो दोस्तों यह 1901 से पुरस्कार स्वीडन की सरकार द्वारा दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी दोस्तों स्टॉकहोम होता है। हर वो सिगरेट जिसका धुआं आपकी बॉडी में जाता है वो आपकी लाइफ के 11 मिनट कम कर देता है। तो दोस्तों क्या आपको पता था? बहुत से लोग होते हैं सिगरेट पीते हैं और सिगरेट पीने के बगल में कुछ लोग बैठे होते हैं वहाँ पे धुआं भी लेते हैं, तो इससे मतलब उन्हें भी बहुत ज़्यादा हार्म होता है। तो इसको क्या करना चाहिए? सिगरेट से परहेज करना चाहिए, या फिर यदि पी भी रहे हैं तो अकेले में जाके पिए, क्योंकि दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए। पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा खनिज कौन सा है? तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में जो सबसे महंगा खनिज है वो है यूरेनियम। कौन है दोस्तों? यूरेनियम है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, और यह 800 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था इसका निर्माण। भारत में सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा हवाई पत्तन है लेह। कहाँ है? लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है। किस कंट्री में 5 सूर्य निकलते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं? तो दोस्तों चीन। चीन में सर्दी में कोहरे की वजह से 5 सूरज दिखाई देता है। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग है। चीन एक भारत के पड़ोसी देश है। विटामिन बी की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? तो दोस्तों विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की थी। किसने की थी? मैकुलन ने की थी, और इसका रासायनिक नाम है थायमिन। इंग्लिश अल्फाबेट का सबसे ज्यादा यूज करने वाला लेटर ई है। दोस्तों जो इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेटर है वो है ई। इंडिया की आज़ादी के समय इंग्लैंड का किंग कौन था? मतलब दोस्तों भारत जब आज़ाद हुआ था तो समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जॉर्ज सिक्स था। कौन था? जॉर्ज सिक्स। इसी के साथ ये भारत का आखिरी सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन का पहला प्रधान हेड था। और दोस्तों काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है?
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।